आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि श्री राम से जुड़े सपने देखने से भाग्योदय किस प्रकार होता है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। हम आपको इस वीडियो में भगवान श्री राम से जुड़े सपनों को देखना व उनके अर्थ बताएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेते ही उनका पुष्प से भी नरम स्वभाव और शालीनता याद आ जाती है। उन्होंने जीव मात्र के प्रति दया भाव सिखाया और अपने भक्तों को सही राह पर चलने का संदेश दिया। भगवान श्री राम अपने सभी भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हमेशा आते हैं। जिस तरह उनके सिर्फ नाम को जपने से और पत्थरों पर श्री राम लिखने मात्र से समंदर के बीच उनके भक्तों के लिए रास्ता बन गया था, ठीक उसी तरह उनका नाम उनके भक्तों के लिए एक दवा का काम करता है। भगवान श्री राम को सपने में देखने के अलग अलग फल होते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आपने उन्हें किस अवस्था में देखा है। इसके अलावा यदि हाल ही में आप श्री राम के मंदिर जाकर आए हैं, उनकी तस्वीर को देखा है या टीवी में श्री राम से जुड़े धारावाहिक या फिल्म को देखा है, इसके बाद आपको श्री राम से जुड़ा स्वप्न आया है, तो यह साधारण स्वप्न माना जाएगा। इसका कोई विशेष फल नहीं होगा, क्योंकि हम दिन भर जो सोचते हैं, जो देखते हैं, रात में वे सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, और जब हम सोते हैं तो वे सब एक दृश्य की तरह आँखों के सामने दिखने लगती हैं। इसलिए आप सपने का मतलब तभी देखें जब बिना किसी विचार या ख्याल के आप उन्हें सपने में देखते हो। खैर, शुरू करते हैं आज के वीडियो में। सपने में भगवान श्री राम को देखना व उनके अर्थ और उनसे जुड़े हुए फल। सपने में भगवान राम का दिखना ज्योतिष शास्त्र में हर तरह से शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप उन्हें वनवास भोगते हुए देखते हैं, अर्थात श्री राम जी को उन वस्त्रों में देखते हैं जो उन्होंने वनवास करते समय पहने थे, तो यह कार्यों में संघर्ष का संकेत देता है। इसके अलावा श्री राम जी को किसी भी अवस्था में देखना लाभकारी ही सिद्ध होता है। यदि आपने स्वप्न में भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं, तो यह आपके कार्यों में सफलता का सूचक है। आपको जो भी परेशानियां चल रही हैं वह खत्म होंगी। इसके अलावा यदि आपके जीवन में किसी तरह का संकट बना हुआ है, तो वह भी समाप्त हो जाएगा और आपको राहत मिलेगी। सपने में राम सीता को देखना। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यदि आपने भगवान राम और माता सीता को वनवास वाले वस्त्रों को धारण किए हुए देखा है, तो यह शुभ फल नहीं देता है। हालांकि इस स्वप्न को अशुभ स्वप्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान के दर्शन मात्र से ही उनके भक्तों के लिए सौभाग्य है, परंतु यह आपके कार्यों व जिंदगी में संघर्ष को दर्शाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान श्री राम ने वनवास में 14 साल बिताए थे, लेकिन इसके विपरीत यदि आपने उन्हें सिंहासन पर बैठे देखा हो या आभूषणों से लदा हुआ देखा हो, तो यह स्वप्न बहुत ही शुभ फल देता है। सपने में राम नाम जपना। सपने में राम नाम जपना भी शुभ है। जिस तरह भगवान को याद करने भर से हमें सुकून का एहसास होता है और हमारे दुख दूर होते हैं, ठीक उसी तरह सपने में राम नाम जपने से जातक के बुरे वक्त में विराम लगता है और उसका बुरा वक्त चला जाता है और उसके सभी दुख भी दूर हो जाते हैं। सपने में श्री राम जी का फोटो देखना। वैसे तो श्री राम के दर्शन करना ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही लाभकारी है, लेकिन यदि जातक के जीवन में मुश्किल दौर चल रहा है और इसी बीच वह सपने में श्री राम जी का फोटो या तस्वीर देखता है, तो उसे शांति से काम लेने की ज़रूरत है। सपने में राम जी का मंदिर देखना। श्री राम का मंदिर देखना अत्यंत ही शुभ फल देने वाला सपना है। यह जातक के कार्य सिद्धि का प्रतीक है।
आपको इस सपने को देखने पर खुश हो जाना चाहिए। आपके सोचे गए हर कार्य पूर्ण होंगे और जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। इसलिए यह सपना देखने पर जातक भगवान श्री राम के मंदिर में दीपक अवश्य लगाकर आएं और भगवान श्री राम से प्रार्थना करें कि आपको आपके सपने का फल जल्दी ही प्राप्त हो। सपने में राम लक्ष्मण को देखना एक शुभ सपना है, लेकिन उस समय यह उस अवस्था पर निर्भर करता है कि आपने स्वप्न में श्री राम और लक्ष्मण को किस तरह किस अवस्था में देखा। यदि आपने उन्हें वनवास वाले वस्त्रों को धारण किए हुए देखा है तो यह स्वप्न शुभ नहीं माना जाएगा। जिस तरह भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने 14 साल वनवास में बिताए और बाद में उन्हें राजपाट मिला था, उसी तरह आपको भी सफलता पाने के लिए पहले कठिन संघर्ष करना होगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र की नज़र में यह सपना अत्यधिक शुभ नहीं माना जाता। सपने में श्री राम जी की मूर्ति को देखना। सपने में यदि आप श्री राम की सोने की मूर्ति या सजी हुई मूर्ति देखते हैं तो इसका फल शुभ होता है, लेकिन यदि आप खंडित मूर्ति देखें तो यह अशुभ सपना माना जाएगा। यदि आप किसी यात्रा पर जाने वाले हैं और इस बीच आपको यह सपना आ जाता है तो यह आपको संभलने के संकेत दे रहा है, इसलिए तुरंत आपको यात्रा टाल देनी चाहिए। इसी के साथ यदि आप भगवान श्री राम की हंसती हुई मूर्ति देखें तो यह एक शुभ सपना माना जाता है। सपने में राम सीता की मूर्ति देखना। यदि एक विवाहित व्यक्ति यह सपना देखे तो यह उसी सूरत में शुभ माना जाएगा जब भगवान की मूर्ति पुष्पों और आभूषणों से सजी हुई हो, ना कि टूटी फूटी या खंडित हो। यदि सपना देखने वाला जातक विवाहित है तो अर्थ है कि उनके दाम्पत्य जीवन में सुख आने वाला है। यदि जातक के परिवार में झगड़े चल रहे हैं और इस दौरान वह सपना देखता है तो इसका अर्थ है कि किसी तरह का वाद विवाद आपके घर में मिट जाएगा और प्रेम में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर यह सपना शुभ माना जाएगा। भगवान श्री राम को सिंहासन पर बैठे देखना। यदि आपने भगवान श्री राम और माता सीता को सिंहासन पर बैठा देखा हो या आभूषणों से लदा देखा हो तो यह स्वप्न बहुत ही शुभ फल देता है। सपने में श्री राम का रथ या केवल रथ देखना। रथ को देखना एक शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि भविष्य में आप बड़ी यात्रा करने वाले हैं। यही नहीं, रथ देखने का अर्थ इससे भी लिया गया है कि जो यात्रा आपके द्वारा होने वाली है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। सपने में राम दरबार का देखना। यह सपना सभी सपनों में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ और दुर्लभ है। जितना यह दुर्लभ है उतना ही इसका फल भी विशेष है। यह कार्य सिद्धि का सूचक है। इसका अर्थ है आपने जिस भी कार्य को अब तक सोच रखा था भगवान श्री राम की कृपा से वह पूर्ण होने को है, जिससे कि आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। यह सपना एक तरह से पूर्व सूचना भी कही जाए तो गलत नहीं होगा। आप अवश्य ही एक सफल व्यक्ति बनने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपने भगवान श्री राम से जुड़ा कोई ऐसा सपना देखा है जिसका अर्थ हम बताना भूल गए हैं तो आप निश्चित ही कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय जय श्री राम।